फ्रेंड्स, एक फीमेल जब भी प्रेग्नेंट होती है, जब फीमेल का ये एग उसके मेल पार्टनर के स्पर्म के साथ फ्यूज होता है, तो इसलिए ही अगर आपको भी प्रेग्नेंट होना है तो आपको अपने पार्टनर के साथ उस दिन संबंध बनाने चाहिए जिस दिन आपका अंडा आपके पास मौजूद हो। ये सब तो ठीक है, लेकिन रोहित, मैं उस दिन के बारे में कैसे पता करूं जिस दिन मेरा अंडा मेरे पास मौजूद हो? फ्रेंड्स, जिस दिन आपकी ओवरी से अंडा बाहर आता है, वो दिन आपके नेक्स्ट पीरियड से 14 डेज पहले आता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लो कि आपका अगला पीरियड 28 फरवरी को आएगा, तो इस केस में आपका अंडा 14th, 15th या फिर 16th फरवरी में से किसी एक दिन निकलेगा। अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन रोहित, अब मुझे ये बताओ कि मैं अपने अगले पीरियड की डेट कैसे निकालूं? फ्रेंड्स, आप अपने अगले पीरियड की डेट बहुत इजीली पीरियड साइकिल लेंथ की मदद से कैलकुलेट कर सकती हो। वैसे तो पीरियड साइकिल लेंथ के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कई बार बताया है, पर फिर भी मैं आपको पीरियड साइकिल लेंथ दोबारा कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। मान लो कि आपका पहला पीरियड 4th जनवरी को आया है और दूसरा पीरियड 31st जनवरी को आया है, तो इस केस में आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज की होगी। चलो मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। आपका पहला पीरियड 4th जनवरी को आया है, तो 4th जनवरी को हम फर्स्ट डे मानेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और दूसरा पीरियड 31st जनवरी को आया है, तो 31st जनवरी को काउंट करने के बाद पीरियड साइकिल लेंथ आई 28 डेज की। और आपको भी पीरियड्स की डेट के हिसाब से पहले अपनी पीरियड साइकिल लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब चलो मैं आपको कैलेंडर की हेल्प से ये बताता हूँ कि एक फीमेल को प्रेग्नेंट होने के लिए किस दिन संबंध बनाने चाहिए। मान लो कि आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 डेज की है और अब आपको 1st फरवरी को पीरियड आया है, तो इस केस में आपको अगला पीरियड 28 फरवरी के आसपास आएगा। तो चलो 28 फेब से 14 डेज पहले चलते हैं। 28 को दूसरा पीरियड आएगा, तो 28 को हम फर्स्ट डे मानेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यानी 15th फरवरी के आसपास आपकी ओवरी से अंडा बाहर आएगा। तो फ्रेंड्स, इस केस में अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको 12th फरवरी से लेकर 16th फरवरी तक पांचों दिन फिजिकल रिलेशन बनाने चाहिए, क्योंकि एक फीमेल का एग बस 12 से 24 घंटे ही फीमेल की बॉडी में जीवित रहता है और शुरू के 6 घंटे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। तो इसलिए ही अगर एक फीमेल को प्रेग्नेंट होना है तो ये बहुत जरूरी होता है कि जब फीमेल का एग फीमेल की बॉडी में हो तो उस टाइम फीमेल की बॉडी में मेल स्पर्म्स भी मौजूद हों, ताकि अंडा और स्पर्म एक साथ फ्यूज हो जाएं। लेकिन रोहित, मेरे तो पीरियड्स ही इरेगुलर हैं, तो मैं क्या करूं? दोस्तों, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या फिर काफी कोशिशों के बाद भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकती हो। हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी और आपकी मीटिंग डॉक्टर एकता अग्रवाल से फिक्स करेंगी। एकता मैम एक गायनेकोलॉजिस्ट है, जिनकी वजह से बहुत सारी फीमेल्स ने अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करी है। एकता मैम से आप प्रेगनेंसी टिप्स पूछ सकती हो, प्रेगनेंसी कंसीव करने की डाइट पूछ सकती हो, या फिर अपनी किसी और प्रॉब्लम के बारे में भी पूछ सकती हो।